तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित ट्रैक। तो दोस्तों, अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो पूरा आप अंत तक देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर दोस्तों, अगर आप अपने वीडियो में थंबनेल पूरा प्रोफेशनल थंबनेल अगर नहीं बनाते हैं तो आपका वीडियो रैंक नहीं करता है, आपका वीडियो CTR नहीं बढ़ता है, आपके वीडियो को लोग टाइप नहीं करते हैं और देखते नहीं हैं। इसलिए होता है कि आपका वीडियो में मेन होता है थंबनेल, और थंबनेल कैसे बनाते हैं, मेन पॉइंट आ गया, थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो थंबनेल बनाने के मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा कि अपने वीडियो में थंबनेल कैसे बनाते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। आपके वीडियो में मेन पॉइंट तो थंबनेल है। अगर थंबनेल अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आपके वीडियो को नहीं देखेंगे, आपके वीडियो को वहाँ से हटा देंगे, तो आपका वीडियो, आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। तो घबराने कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने मोबाइल से घर बैठे अपना थंबनेल कैसे बनाते हैं, पूरा HD थंबनेल आपको बनाना सिखा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देता रहूँगा। और वहाँ आप अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो की लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ में फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप दो ऐप से अपने दो एप्लीकेशन से आप अपना फुल HD थंबनेल बना सकते हैं, एक है पिक्सआर्ट और एक है पिक्सालैब। मैं आपको पिक्सालैब से बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि पिक्सालैब से बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा बनता है। तो अपने पिक्सालैब ऐप को एप्लीकेशन को करेंगे ओपन। तो सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा पिक्सालैब एप्लीकेशन हो गया ओपन। आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको इस तरह के बहुत सारे आपको बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। मैं आपको चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट वाला हो गया, यहाँ पे आप ब्लैक वाला हो गया, और यहाँ पे रेड वाला हो गया। आप बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो भी बैकग्राउंड लेना हो आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो मैं सिंपली से ये वाइट वाला आपको लेकर आसान तरीका मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ, क्योंकि वाइट वाला आप ले लेंगे अपने मोबाइल में आपका मर्जी। फिर लेने के बाद जो 3 डॉट यहाँ दिख रहा है आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज आपको दिख रहा है, जो इमेज साइज पर क्लिक कर देंगे। इमेज साइज पर कस्टम पर जो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कस्टम क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर लगा सकते हैं, यूट्यूब चैनल के बैनर भी बना सकते हैं। तो आप मेरे को जो है यूट्यूब थंबनेल बनाना है हम लोगों को, तो अपने यूट्यूब थंबनेल को इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ओके कर देंगे, तो हमारा ये सब जो है बैकग्राउंड ये यूट्यूब थंबनेल के साइज का हो गया है। होने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो अगर आपको यहाँ पे इमेज लगाना हो, मैं अपना थंबनेल का जो अपना फोटो इस पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद प्रेस वाला आइकन पे इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देंगे। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद अपना जो है हमारा ये सब प्रोफाइल गैलरी खुल जाएगा। खुलने के बाद मैं आपको सिंपल से एक फ़ोटो आपको लेकर दिखा देता हूँ। तो सो फ्रेंड्स, मैं अपना एक फ़ोटो ले लिया हूँ यहाँ पे थंबनेल बनाने के लिए। ले लिया हम लेने के बाद फिर इसको ले लेंगे, फिर यहाँ पे ओके का निशान भी इसे क्लिक कर देंगे। तो सो फ्रेंड्स, उसको लेने के बाद यहाँ पे आप छोटा फाइज बड़ा फाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली इसके साइज का यहाँ पे कर दूँगा, करने इसको मैं यहाँ पर मिला दूँगा आराम से, छोटा या बड़ा यहाँ पर कर देंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा। होने के बाद इसको स्ट्रोक जो होता है स्ट्रोक उसको कलर चेंज कर कैसे करना है यहाँ पे गोला वाला आइकन इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद जो यहाँ पे दिया है स्ट्रोक इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल कर देंगे आपको जो भी कलर लेना हो ले सकते हैं। यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं देख कर, या ब्लैक हो ब्लैक वाला हो गया, यहाँ पे गुलाबी हो गया। मेरे को जो है लाल लेना, लाल वाला ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर छोटा अपना इमेज यहाँ साइज अपना यहाँ पर बढ़ा लेंगे। मैं इसको 3 पॉइंट पे कर देता हूँ। 3 पॉइंट पे करने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो फिर अब यहाँ पे मेरा फोटो लग गया। अभी यहाँ पे जो भी आपको टाइपिंग करना हो, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि अपने वीडियो में थंबनेल कैसे लगाते हैं। मान लीजिए मैं आपको बताने के लिए सब कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइपिंग कर देंगे वीडियो में थंबनेल कैसे लगाते हैं। कैसे टाइपिंग करना होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है प्लस वाला आइकन कोने में, इसको इस पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के अंदर जो टेस्ट वाला है इसको टाइप कर देंगे। टाइप करने पर यहाँ पे लिख देंगे। तो सो फ्रेंड्स, इसमें आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए वीडियो में थंबनेल कैसे लगाएं, यहाँ पे लिख देंगे अपने वीडियो में। इसको छोटा बड़ा कर लेंगे, छोटा बड़ा कर लेंगे, इसको आ जाएंगे जो साइज वाला दिया है इसको छोटा बड़ा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो मैं इतना सा कर लेता हूँ। इसको करने का इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना है ले सकते। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ब्लैक कलर लेने के बाद इस पर जो टाइपिंग का अक्षर है इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए मीडियम साइज जो है यहाँ पे ब्लॉगर सेंड ब्लू कर देते हैं। करने के बाद ये देखिए हमारा इस तरह का हो गया टाइपिंग। टाइपिंग करने के बाद इसका बैकग्राउंड होता है कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आगे आने के बाद जो बैकग्राउंड वाला है इसको इनेबल कर देंगे। आपको जो भी बैकग्राउंड लेना हो अच्छा, जो भी आपको लग रहा है तो कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हैं।
मान लीजिए कि मैं जो ये यहाँ पे पीला वाला ले लेता हूँ, पीला लेने के बाद इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, फिर इसको यहाँ पे आके बड़ा कर लेंगे। तो देखिए हमारा हो गया वीडियो में थंबनेल कैसे लगाएं। अब यहाँ पे अब बारी आएगी थंबनेल की, थंबनेल यहाँ पे टाइपिंग कर देंगे थंबनेल। देखिए यहाँ पे थंबनेल इसको भी छोटा बड़ा कर देंगे यहाँ पे, तो मैं इसको इतना से कर देता हूँ। करने के बाद इसको अभी कलर चेंज कर देंगे, तो मैं यहाँ पे रेड वाला इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद अब इसको इसका भी अक्षर भी जो होता है बड़ा छोटा कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे ब्लॉगर सेंस पे कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो टाइपिंग था यहाँ पे चेंज हो गया, टाइपिंग चेंज होने के बाद इसका जो बैकग्राउंड होता है इसको बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड नहीं चेंज करेंगे, मैं आपको स्ट्रोक आपको लगाता हूँ यहाँ पे। देखिए स्ट्रोक पे आ जाएंगे, स्ट्रोक पे आने के बाद कोई भी यहाँ पे कलर ले लेंगे, ब्लैक ले लेंगे, तो आपका यहाँ पे छोटा बड़ा कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। इसको ले लेते हैं ब्लू वाला। तो सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मेरा ये थंबनेल भी हो गया। अब यहाँ पे आप कैसे लगाएं इसको भी टाइपिंग यहाँ पे करते हैं वीडियो में थंबनेल कैसे लगाएं। तो सो फ्रेंड इसको भी छोटा बड़ा यहाँ पे कर लेंगे, करने के बाद इसका भी कलर चेंज कर देंगे। तो मैं इसका इस बार ब्लू वाला ले लेता हूँ। ब्लू लेने के बाद इसका भी अक्षर का चेंज कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये मेरा ऐसे हो गया। तो सो फ्रेंड आज मतलब आपको इस तरह बनाने के लिए से बताया हूँ, आप भी इस तरह से अपने मोबाइल से थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आप सभी को इस वीडियो पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए रोहित टेक चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।